प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, वनस्पति विज्ञान विभाग। हम बीएससी भाग द्वितीय, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट पूरी कर ली है। सेकंड यूनिट में कुछ फैमिलीज हमने की हैं। आज हम सेकंड यूनिट की अंतिम फैमिली, आखिरी फैमिली एस्ट्रेसी के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रेसी फैमिली इसे कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका पुराना नाम है। आईसीबीएन के अनुसार प्रत्येक फैमिली में सफिक्स ए सी ई ए ई आना चाहिए था। पहले इसका नाम कंपोजिटी था क्योंकि इसके अंदर जो इसका इनफ्लोरेसेंस है वो एक कंपोजिट प्रकार का कैपिचुलम है, इसलिए इसे कंपोजिटी कहा जाता था। लेकिन आईसीबीएन के नए नियम के अनुसार ए सी ई ए ई अंत में आना आवश्यक है, इसलिए एक जीनस एस्टर के आधार पर इसका नाम एस्ट्रेसी रखा गया। इस कुल को सूरजमुखी कुल या सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं क्योंकि सनफ्लावर इस फैमिली का एक बड़ा जीनस है। यह फैमिली एंजियोस्पर्म्स में सेकंड लार्जेस्ट फैमिली के रूप में भी जानी जाती है। आवर्तबीजी पादपों में द्वितीय सबसे बड़ा कुल, इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। इस फैमिली का क्लासिफिकेशन हम एक बार देख लेते हैं। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलेडनी, गैमोपेटली, एनफरी, एस्ट्रेल्स व एस्ट्रेसी। इस फैमिली में लगभग 1000 जीनस व लगभग 20,000 स्पीसीज हैं। यह फैमिली विश्वव्यापी फैलाव के साथ पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, पूरे विश्व में इसके सदस्य पाए जाएंगे। इस कुल के अधिकांश प्रजातियां एनुअल हर्ब्स, एक वर्षीय शाक के रूप में पाई जाती हैं, परंतु अपवाद के रूप में बहुत कम क्षुप व छोटे वृक्ष, श्रब और स्मॉल ट्री भी पाए जाते हैं। इस कुल का इनफ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम, एक विशिष्ट लक्षण है। इसे कैपिचुलम हेड कहते हैं। इस प्रकार का पुष्प क्रम एक विशेष स्टेज नुमा रचना रिसेप्टिकल पर विकसित होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ऐसा पहले भी हम बात कर चुके हैं। रूपांतरित प्ररोह का अर्थ है मॉडिफाइड स्टेम। जैसा कि स्टेम के बारे में आप जानते हैं, पर्व व पर्व संधियों से बनी एक ऐसी संरचना जिसमें पर्व संधियां पार्श्वीय अंगों का निर्माण करती हैं। पर्व संधि यानी कि नोड्स पर कुछ ऐसी विशेष मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं, विभाज्योत्तक कोशिकाएं होती हैं, जो विभाजित होकर पार्श्वीय अंगों का जैसे पर्ण, शाखा, फल इत्यादि का निर्माण करती हैं। अब होता क्या है, पुष्प में यह जो प्ररोह रूपी संरचना है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। अर्थात जो पर्व संधियां हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है, क्योंकि नोड्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और इंटर नोड्स उनकी आकृति छोटी हो जाती है। छोटी होने के कारण जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और प्रत्येक नोड के द्वारा एक पुष्प उत्पन्न किया जाता है। इस तरह से रूपांतरित संरचना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, संघनित संरचना
रिसेप्टिकल कहलाती है, और इस रिसेप्टिकल पर पुष्प विकसित होता है। प्रत्येक नोड, प्रत्येक पर्व संधि एक पुष्प का निर्माण करती है। रिसेप्टिकल एक फ्लैट स्टेज नुमा स्ट्रक्चर होती है या गोलाकार गदानुमा संरचना होती है जिस पर पुष्प उत्पन्न होते हैं चक्र में। इस कुल में रिसेप्टिकल के चारों ओर एक चक्र पाया जाता है सहपत्रों का, वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स। इसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है जिसे इन्वोल्यूकर कहते हैं। यह इन्वोल्यूकर रिसेप्टिकल को चारों ओर से घेरे रहता है और इसको कवर करता है। इन्वोल्यूकर सुरक्षात्मक आवरण है। यह हरे रंग के ब्रैक्ट्स से बना होता है। ब्रैक्ट्स का आकार बड़ा होता है और यह संपूर्ण जीवन काल में जब तक पुष्प है तब तक यह रिसेप्टिकल को और पुष्प को घेरे रहता है। इसके अंदर जो रिसेप्टिकल है उससे पुष्प उत्पन्न होता है और वह पुष्प बाहर निकलता है। पुष्प को दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। जो केंद्र में है वो रे फ्लोरेट्स और जो परिधि में है वो डिस्क फ्लोरेट्स कहलाते हैं। अब इसके पुष्प की संरचना की बात करते हैं। इस कुल में पुष्प सहपत्र युक्त है, वृंत रहित है, ससाइल है, एक्टिनोमॉर्फिक व जायगोमॉर्फिक। हमने बताया रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, जो डिस्क फ्लोरेट्स हैं वो जायगोमॉर्फिक हैं। एपिगाइनस है, पेंटामिरस है, पंचतयी है। दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी व एकलिंगी। एकलिंगी में नर पुष्प, मादा पुष्प और एक अन्य प्रकार न्यूटर, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लैंगिक अंग नहीं होता, इस प्रकार का पुष्प भी पाया जाता है। पुष्प को पूर्ण व अपूर्ण, कंप्लीट व इनकम्प्लीट में विभेदित कर सकते हैं और चक्रीय होता है। तो यह है इसके पुष्प के करैक्टर्स हो गए। इसके पश्चात बात करते हैं हम कैलिक्स की। विद्यार्थियों, इस कुल में कैलिक्स एक विशेष रूप में पाया जाता है। बाह्य दलपत्र के बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि बाह्य दलपत्र पर्ण के समान छोटी संरचना होती है, हरे रंग की होती है और जिसका कार्य पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यहाँ पर बाह्य दल रूपांतरित होकर के स्केल, हेयर या सीटी, शुक, रोम या बाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह रंगहीन होता है। यह पेपर के समान, कागज़ के समान रचना होती है और पुष्प की सुरक्षा करती है, इसलिए इसे पेपस कहते हैं। और इसकी एक यूनिट, एक इकाई टेपल कहलाती है। जैसे कैलिक्स में सेपल, कोरोला में पेटल, इसी तरह से पेपस में एक इकाई टेपल कहलाती है। चार से पांच पेपस होते हैं इसके अंदर, गैमोसेपल्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और रंगहीन हैं। रंगहीन होने के कारण ही ये पेपर के समान दिखाई देते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं हम कोरोला की। कोरोला पांच हैं इसमें, संयुक्त दलीय है, गैमोपेटलस हैं, ट्यूबुलर या बाइलेबिएट। इसे घंटाकार ट्यूब के समान या बाइलेबिएट द्विओष्ठी या लिगुलेट जिह्वाकार भी कहते हैं। आकार के आधार पर ये रंगीन होते हैं और कोरस्पर्शी होते हैं, वेलवेट होते हैं। विद्यार्थियों, इसमें एंड्रोशियम पांच होते हैं, एपिपेटलस हैं। आधार पर ये कोरोला या दलपत्र के साथ जुड़े होते हैं, इस कंडीशन को एपिपेटलस कहा जाता है। एक नई टर्म हमें देखने को मिलेगी इसमें, जिसे हम कहते हैं सिंजनेशियस। हमने बताया जो पुमंग हैं वो दो भागों में विभक्त होते हैं, एंथरलोब और फिलामेंट, तंतु और पराग कोश। जो पराग कोश हैं, एंथरलोब हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और फिलामेंट या तंतु आप एक दूसरे से फ्री है, इस कंडीशन को हम सिंजनेशियस कहते हैं। आगे अभी चित्र में आपको दिखाएंगे। डाइथिकस हैं, चतुर्पालित हैं, चतुर्कोष्ठकीय हैं,
इंट्रोर्स अंतर्मुखी हैं, अर्थात जब इनका स्फुटन होगा तो इनके द्वारा जो परागकण हैं वो केंद्र की ओर, पुष्प के केंद्र की ओर प्रेक्षित होंगे या केंद्र की ओर आएंगे। ये इस चित्र में हमें दिखा रहे हैं सिंजिनेशियस कंडीशन और इंट्रोर्स कंडीशन। इसके पश्चात हम बात करते हैं गाइनोशियम की। जयांग बाइकार्पिलरी है, द्विजयांगी, सिनकार्पस संयुक्त, यूनिलोक्युलर एक कोष्ठकी है, इन्फीरियर अधोवर्ती है और बेसल प्लासेंटेशन है। कुछ फ्लोरल फॉर्मूला इसके अंदर, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला, फिर उसके बाद में फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला, मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला और न्यूटर, जिसमें किसी प्रकार का कोई लैंगिक अंग नहीं है, उसका फ्लोरल फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों, आपके लिए स्क्रीन पर फ्लोरल डायग्राम, हेलियंथस एनस सनफ्लावर का फ्लोरल डायग्राम उपलब्ध है, जिसमें नर पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों पुष्पों का फ्लोरल डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी आर्थिक वनस्पति की, क्योंकि यह कुल एक बड़ा कुल है, इसलिए इसमें आर्थिक वनस्पति में हेलियंथस एनस सनफ्लावर, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, इंग्लिश मैरीगोल्ड, टेनासिटम, कॉक्सिनियम डेजी, क्राइजेंथिमम गुलदाउदी, टेजिटस इरेक्टा गेंदा, डहेलिया, कॉस्मोस बाइपिनेटस, कॉस्मोस जीनिया, एस्टर व हेलीक्राइजम पेपर फ्लावर, इस प्रकार कुछ पुष्प इसके ऑर्नामेंटल फ्लावर के अंदर आते हैं, सजावटी पुष्पों में आते हैं। अधिकांशतः ये सजावटी पुष्प सर्दियों में ब्लूम करते हैं। एडिबल में लैक्टुका स्टाइवा सलाद के रूप में खाया जाता है, सैलेड लेट्यूस कहते हैं इसे, सिकोरियम इंटिबस इसके रूट्स खाई जाती हैं, हेलियंथस ट्यूबरोजम इसके ट्यूबर खाया जाता है। मेडिसिनल औषधीय में देखेंगे स्पाइलेंथस पेनिकुलेटा दांत दर्द में उपयोग में लिया जाता है, टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल टॉनिक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, लैक्टुका वायरोजा एक सेडेटिव नशे के रूप में उपयोग में किया जाता है। मुख्य इसका ऑयल हेलियंथस एनस सनफ्लावर ऑयल जो है उसके बीजों से प्राप्त होता है, कार्थेमस टिंक्टोरिया सेफ फ्लावर ऑयल कहते हैं, और बुइजोइटिया ये सोप ऑयल के रूप में काम में लिया जाता है। तो यह इसकी आर्थिक वनस्पति हुई। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने कुकरबिटेसी फैमिली की थी और अब ये हमने एस्ट्रेसी फैमिली की है। इन दोनों फैमिलीज के असाइनमेंट इसी लेक्चर में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, आप उनके आंसर करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिए। कुकरबिटेसी का असाइनमेंट, सिंजिनेशियस से आप क्या समझते हैं, कुकरबिटेसी कुल का वर्गीकरण बताएं, कुकरबिटेसी कुल का पुष्प चित्र बनाएं तथा निम्न के वानस्पतिक नाम लिखें, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी व परवल। और एस्ट्रेसी का असाइनमेंट, पेपस से आप क्या समझते हैं, सिंजिनेशियस क्या होता है, कुल एस्ट्रेसी का वर्गीकरण लिखें, एस्ट्रेसी कुल का पुष्प चित्र बनाएं और रिसेप्टिकल से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार इस पेपर की आज दो यूनिट्स पूरी हो गई हैं, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट, जिनके की पीडीएफ में भी नोट्स में आपको साथ के साथ उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब अगले लेक्चर में हम तीसरी यूनिट को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।